30 और 31 जुलाई 2024 की आधी रात को ईरान की राजधानी तेहरान में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। इस हमले में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या हो गई और इस हत्या का आरोप इसराइल पर लगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हानिया की जिस फ्लैट में हत्या हुई वो ईरानी सेना का बेहद ही संवेदनशील इलाका था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने हानिया का काम तमाम कर दिया। दरअसल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की ताजपोशी में तेहरान पहुंचे थे और इस फंक्शन के बाद जैसे ही वो अपने सीक्रेट फ्लैट पर लौटे वैसे ही उनकी हत्या हो गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान भी मोसाद की राह पर चल पड़ा है और उसने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या के लिए एक ऐसा ही जाल बिछाया था। लेकिन समय रहते ईरान के इस कांड का भांडा फूट गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल में पकड़े गए ईरान के दो जासूसों की, जो इसराइल के नागरिक हैं और धर्म से यहूदी हैं। दरअसल इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट और इजरायली पुलिस ने ईरान के दो जासूसों को पकड़ा है। ये दोनों ही जासूस एक ईरानी ऑपरेटिव के कहने पर इसराइल में एक बड़े नेता की हत्या करने वाले थे। सूत्रों की माने तो इन दोनों को नेतन्याहू को ठिकाने लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। इजरायली पुलिस और शिनबेट ने 30 साल के व्लादिस्लाव विक्टरसन को रहमत गैन से अरेस्ट किया है। विक्टरसन ईरानी ऑपरेटिव मारी हौसी के इशारे पर काम कर रहा था। शिनबेट के मुताबिक मारी हौसी ने विक्टरसन को पिछले साल अगस्त 2023 में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था और इन दोनों ने 18 साल के एना बर्नस्टाइन और एक अन्य स्थानीय को हायर किया था। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इन दोनों जासूसों ने तेल अविव के पास कई बर्बर और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें भड़काऊ पोस्टर, तेल अविव के पास कारों को आग लगाया गया और पास के जंगलों में भी आग लगाने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। शिनबेट के मुताबिक ईरान के ऑपरेटिव हौसी ने विक्टरसन को इसराइल में एटीएम संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाने, राजनीतिक प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें खींचने और बेघर लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने का जिम्मा सौंपा था और इन कामों के लिए इन दोनों इसराइलियों को ईरान से $5,000 की फंडिंग भी मिली थी। शिनबेट का कहना है कि ईरानी ऑपरेटिव हौसी ने विक्टरसन को एक बड़े इजरायली नेता के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर उसकी हत्या का जिम्मा सौंपा था और विक्टरसन ने इस काम के लिए हामी भी भरी और उसने स्नाइपर राइफल, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड खरीदे भी थे। हालांकि वो बड़े नेता इजरायली पीएम नेतन्याहू ही है, इस बात को लेकर शिनबेट ने जानकारी नहीं दी। इसको लेकर शिनबेट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जांच में ये पता चला है कि एक बार फिर से ईरानी खुफिया एजेंसियों ने इजरायली नागरिकों को भर्ती करने और जासूसी और आतंकी गतिविधियों का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें रिक्रूट किया है। शिनबेट का कहना है कि उसने इजरायली पुलिस के साथ मिलकर ईरानियों द्वारा इसराइल के नागरिकों की भर्ती करने की कई कोशिशों का भांडाफोड़ किया, जिसका सीधा उद्देश्य इसराइल के लोगों को नुकसान पहुंचाना था। शिनबेट के इस अधिकारी ने यह भी कहा कि जांच में कई फर्जी ईरानी प्रोफाइल्स का पता चला, जिनकी निगरानी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए की गई थी। इनकी गतिविधि का पता चलने की वजह से इजरायली नागरिकों की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ हुई। उन्हें मिशन को अंजाम देने के लिए लालच देकर भर्ती किया गया था। शिनबेट का यह भी कहना है कि ईरानी ऑपरेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के जरिए इंग्लिश और हिब्रू भाषा में इजरायलियों को लालच देकर फंसाते हैं। हालांकि ईरानी ऑपरेटिव के जाल में कुछ इजरायली फंस जाते हैं, लेकिन अधिकतर इजरायली उनके मैसेजेस की जानकारी इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को दे देते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ही एक इजरायली की गिरफ्तारी हुई थी। ईरानी ऑपरेटिव ने इस इजरायली को पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और शिनबेट के मुखिया की हत्या के लिए भर्ती किया था।